स्वागत है सभी का फास्ट समाचार पे। मैं मणिका शर्मा एक बार फिर आप सभी के साथ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करेरा और पोहरी में जो है अभी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जो सह संपादक हैं सुनील रजक, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं चुनाव को लेकर पोहरी में और करेरा में। सुनील जी, आप मुझे बताएं कि मैं बात कर रही हूँ करेरा की, तो करेरा में जैसे कि देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या अन्य पार्टियों की हम बात करें, तो हम ये देख रहे हैं हर किसी ने जो है अपनी ताल ठोक दी है, कोई कोर कसर बाकी नहीं है। तो क्या समीकरण बन रहे हैं अभी करेरा में? जी मनिका जी, बिल्कुल धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करेरा में बिल्कुल चुनावी ताल ठुक चुकी है। सभी लोगों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है और नामांकन की तारीख भी ख़त्म हो चुकी है। अब जो है कि नामांकन अगर फॉर्म अगर कोई वापस लेता है तो उसकी तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है, और दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोक दी और लगातार जनसंपर्क उनका जारी है। जैसे कि करेरा से जो पूर्व विधायक जसवंत जाटव हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी से अब चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार भी उनको ही बनाया गया है ना। और ये 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही थी, जिसके बाद में इन्होंने सिंधिया खेमे के विधायक हैं और सिंधिया के खास माने जाते हैं, सिंधिया जी के साथ में और बाकी अन्य विधायकों के साथ में इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद तख्ता पलट हुआ था सरकार का, उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी दोनों। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभी वर्तमान में प्रागीलाल जाटव, वो भी बीएसपी से आए, पहले भी पिछली विधानसभा में उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था और अपनी कई मतों से अपने वोट हासिल किए थे उन्होंने, लेकिन जीत नहीं बना पाई थी। जीत पूर्व विधायक जसवंत जाटव जो कांग्रेस से थे, उन्होंने अपनी विजय बनाई थी और विधायक चुने गए थे। और इसके बाद में अब दोबारा से उपचुनाव की घड़ी आ गई है, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके चलते करेरा और पोहरी जो शिवपुरी जिले की विधानसभा लगती हैं उनमें उपचुनाव हो रहा है। और बराबर से अभी ये रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं करेरा सीट निकालने के लिए। जी जी, ये और अब बताएं कि जैसे मैं पोहरी की बात करूं, तो पोहरी में भी जो है वो टक्कर जो है उसमें कोई कमी नहीं है, तो पोहरी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पोहरी एक ऐसी विधानसभा है शिवपुरी जिले की, करेरा और पोहरी दो ही विधानसभा है जिसमें, पोहरी एक ऐसी विधानसभा है जिसमें सरकार पूरी ताकत लगा रही है पोहरी विधानसभा निकालने के लिए। इसके चलते कांग्रेस के बाद जो बीजेपी में शामिल हुए सुरेश राठखेड़ा, जो अभी बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान जो सरकार है मध्य प्रदेश में उसके राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री भी बनाए गए थे, और इसके चलते पोहरी में जनसंपर्क काफ़ी जोरों से जा रहा है। करेरा की अपेक्षा पोहरी में लगातार जनसंपर्क सरकार के द्वारा और कई नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसमें सभाएं की हैं। जो तरह सिंधिया जो राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में भाजपा सरकार के, उन्होंने भी सभाएं की हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी युवाओं के लिए रोड शो किया था और सभाएं की हैं। कहा जा सकता है कि बिल्कुल पोहरी विधानसभा जो है उसके लिए बराबर से सरकार पूरी ताकत लगा रही है अपनी, कि पोहरी विधानसभा उनकी निकले, और बिल्कुल बाकायदा जोरों से जनसंपर्क जारी है। सुरेश राठखेड़ा जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके बेटे जीतू राठखेड़ा, वो भी लगातार जनसंपर्क गाँव में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पोहरी विधानसभा पर बहुत ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है कि उनको ये सीट निकालनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से जो दौरे हैं वो जारी हैं, अगर मुख्यमंत्री भी हैं इसके साथ में, कई जो नेता हैं मंत्री हैं वो लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों को देख के, अगर मैं करेरा और पोहरी दोनों के साथ की बात करूं, तो क्या लगता है कि जो कमल का फूल है वो वापस खिलेगा या फिर हाथ का पंजा जो है अपना छाप छोड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बराबर से दोनों ही पार्टी अपनी बिल्कुल सत्ता बचाने के लिए लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस की सरकार बनती है या बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है वो बनी रहती है, या फिर कांग्रेस अपना परचम लहराती है मध्य प्रदेश की सरकार में। दोनों ही पार्टी अपनी बराबर से दावेदारी दिखा रही है, और दोनों ही पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार, या देखते हैं कि कांग्रेस सरकार बचती है या फिर कमलनाथ की सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार बचती है, या फिर बराबर से जो मध्य प्रदेश में अभी सरकार है जो विधायकों के साथ जो सिंधिया जी ने समर्थन दिया है बीजेपी को और अपनी सरकार बनाई है, ये बराबर से चलती रहती है, ये देखना होगा। जी जी जी, तो ये आपने देखा कि कैसे पोहरी और करेरा विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर अभी हमने जो है हमारे सह संपादक सुनील रजक से बात करी, और उन्होंने हमें पूरा का पूरा बताया कि किस तरीके के समीकरण जो है वो देखने को मिल रहे हैं, हर कोई जो है ताल ठोकने में लगा हुआ है।